तो आज हम जाने वाले हैं कुछ मूवी की शूटिंग पे, जैसे कि ये है और ये है और एंड अदर है, और काफी मजा आने वाला है। और वीडियो बने रहे, एंजॉय दिस वीडियो, लेट्स डू इट ब्रो। It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. भाई मेरे को तो एक चीज़ बहुत बेस्ट लगी यहाँ की, जयपुर के अंदर जो होर्डिंग लगी हुई होती है दुकानों के अंदर, वो ये वाइट पट्टी है ना, इसके अंदर लिखी होती है। अपने यहाँ तो होर्डिंग वगैरह इतनी लगा लेते हैं कि दुकान तो दुकान, दुकान के अंदर सारी जो डेकोरेशन सब दुकान की होर्डिंग से कर लेते हैं। और यहाँ की होर्डिंग एक नंबर की लगी मुझे। वो जो एरिया वाकई में किताबों में सुना था ये पिंक एरिया है, और वैसे भी पिंक सिटी है और लगती भी पिंक सिटी है इसकी यार, एक नंबर की सिटी है यार एकदम भाई, एक नंबर का एरिया, पहाड़ी एरिया और काफ़ी अच्छा है। और मौसम भी, वेदर भी नॉर्मल ही है, और सुबह का टाइम है यार। और पहुंचते हैं फिर यार एंजॉय करते हुए, और बने रहे यार वीडियो में और एंजॉय दिस वीडियो एंड लिटरली एकदम मज़े हैं भाई, एक नंबर। और भाई आपके पास टाइम है तो आना चाहिए और नेचर का मज़ा लेने चाहिए। एंड ओके देन लगे रहने एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है, और अच्छा है काफ़ी, एरिया बढ़िया है और रोड भी एक नंबर है। और चलते हैं हम, कुछ ही टाइम में पहुंचेंगे, फिर करेंगे मुख्तलफात एंड एक नंबर की बात होंगी। चलो लेट्स ट्रिप गो। ये हमारे डाक साहब एकदम फ्री मूड में, एंड ये जबर भैया, एंड लेट्स ट्रिप गो। ले यार काट दो इधर, कार लॉक फोन करेगा, लॉक फोन करेगा कार को लॉक। तो हमारी कार ही है भाई, तो भाई ये जीप करी है हमने जाने के लिए, वहाँ पर घूमने के लिए। और यहाँ कुछ सीन ऐसा है, और यहाँ पे ये है जयपुर राजस्थान में, इस चौकी के पास खड़े हम। और यहाँ इस भाई बैंक है, वहाँ मस्जिद है शायद, और ऊपर जहाँ सब कुछ किले का रास्ता जा रहा है, ये किले का रास्ता यहाँ से, और ये मस्जिद है। और भाई यहाँ वहाँ पूरा रोड जा रहा है, ये शायद अजमेर जा रहा है, शायद ये अजमेर जा रहा है रोड शायद। तो अभी यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे यार हम। काट रही है हम तो खर्च वैसे ही तो हो रहे हैं, अब खरीदारी में कितने खर्च कर लो क्यों भाई ना, हमने तो खैर खरीदारी अभी करी। ये जा रहे हैं हम किले की तरफ से, और ये हमारा एंड, ये हमें टर्न लिया टर्न, ओ माय गॉड। और ये है किला, ये 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 आंटी झाड़ू लगा रही है यहाँ पे। ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, लाइट पे चलना है। तो यहीं से ऐसे निकल जाना, इधर इधर से। कल हम तारागढ़ गए तो वहाँ बहुत थक गए, तो बहुत हाइट वहाँ की, तो बहुत दूर है। मानसिंह, राजा मानसिंह का फिल्म है ये लग रहा है, तीन कैमरे। खाने का टाइम ये भैया दे रहे हैं, ड्राइवर साहब खाना ही खाना, खाना ही खाना भाई, खाना ही खाना। चटनी कौन सी लेओगे? ये है कुछ सीन, ओ भाई वहाँ जाना हम लोगों को। और जयपुर सिटी काफ़ी खतरनाक है यार, ये अंकल ने हमें गाड़ी से दिखाई ड्राइव करते हुए। और पार्किंग का सीन कुछ ऐसा है यार, यहाँ पार्किंग हुई और हमारी गाड़ी खड़ी वहाँ पे वो बंदे। और ये तो सामने तो डॉक्टर साहब, ये तो कुछ अक्कड़ लग रहे हैं, कुछ खतरनाक ही। ये ओ माय गॉड, ओम भो,
ये धर्नाटा काट रहे हैं बिल्कुल। हम जा रहे हैं अंदर किले की तरफ। ये रूट है भाई, इधर से जाना चाहिए कभी आपको। तो मैं चल रहा हूँ, यहाँ एक कार भी आ सकती है अगर जाना चाहे बंदा तो। ये क्या सीन है यार, ये दिखाओ मुझे, ये क्या है यार। 1135 हम भी लिखो, हम भी ये सीन है। गाइस तो आज हम फाइनली आ चुके हैं मेन गेट पर, ये हमारा फर्स्ट गेट बोल सकते हैं इसको। एंड जो सामने गेट है वो बहुत, एंड सामने का जो गेट है वो काफ़ी हैंकड़ था। और ये जो सीन है भाई कुछ अमेजिंग है यार, यहाँ पर कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा। और ये जो एरिया है ये इसको बोलते हैं जलेब चौक। ये कहाँ, यहाँ पर राजा मान सिंह की जो प्रजा थी उसका जो परेड वगैरह होकर उड़ती थी। यहाँ जो उनकी आर्मी थी, जो सेनापति वगैरह उनकी आर्मी थी, वो यहाँ पर परेड करती थी यहाँ के मैदान के बीचों बीच। और ये जो काफ़ी मंजर है काफ़ी ख़तरनाक है यार, और काफ़ी फील्ड है यार कई भी को। ये जो सामने का, यहाँ से एंट्री होती थी वीर फिल्म में सलमान खान की, यहाँ से गिर गए थे सब। एंड यहाँ काफ़ी शूटिंग हो चुकी है जितना हमें नॉलेज थी एंड हम लोग को जानकारी थी। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, और वेदर भी अच्छा है इस टाइम, धूप भी काफ़ी निकल रही है। और ये जो एरिया है ये जलेब चौक के नाम से जाना जाता है, और यहाँ काफ़ी तगड़ा सीन है यहाँ का। और ये वेदर एक नंबर है, और ये भाई सामने का जो व्यू है वो काफ़ी ख़तरनाक है। हाँ भाई, क्या हाल में लौटोगे? बस फुल मजे एंजॉय चल रहा, बिल्कुल मांग मांग के ले गए पैसे भी। चलो वहाँ चलते हैं सामने की तरफ। ये सीन बहुत तगड़ा, यहाँ बस था ढोल मुझे लगा कुछ ड्रामा, मतलब कुछ सीन बनता हो तो ये ढोल बजाने वाले दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, सीन तगड़ा। और हमें जाना है भाई इस टाइम वहाँ पर, ये जाना है। और ये भाई ये इधर खाना है, एक व्यू दिखाऊं लौंडो तुम्हें सबको। और हम जा रहे हैं भाई ये सस्ती तोपों के पास। लल्ला का लौंडो तोपों को दिखा रहा है। हाँ, वो था रहा ये। भाई खुद की वीडियो, और यहाँ काफ़ी तगड़ा सीन है यार। और ये है, और ये है भाई हमारे देश की पूरे पैर टाइम की तोफ। तो यार तोफ का सीन भी कर रहा है यहाँ पे, दो तोफ हैं, एक वो वाली तोफ है ये इधर रखी, इधर 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 इधर, और एक भाई ये है मेरे पास ये। ये सीन देख रहो, ये देखो यार, ये सीन देखो यार, कुछ तगड़ा सीन है ये भी। ये तोफ है भाई, ये है तो, और ये है इसका गुल्ला। क्या ले में बताओ सब दिन बताओ कौन है ये। और वो भाई उधर सामने ना बजा रहे हैं ढोल ऊपर, ये किधर देखे, ये उधर उस सामने तो रखवा, इधर ये हमारे ऊपर यहाँ ढोल बजा रहे हैं ये लोग। और ये एक बड़ा सा गेट है इधर, इधर का सीन बहुत कड़ा यार। उधर चलते हैं हम, इधर चलते हैं हम इधर की तरफ। तो बस धूप तो काफ़ी निकल रही, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। और इधर का सीन है यार, ये यहाँ पुलिस अंकल भी ज़्यादा, वो इधर का सीन कुछ ऐसा भाई। ये भाई सीन ये है, इधर के जगह नीचे उतरने का रास्ता दिखे शायद एग्जिट पॉइंट है, शायद एग्जिट पॉइंट ही नीचे जा रहा रास्ता। और एक है ऊपर से भाई, ये सीन कुछ ऐसा, और ये काफ़ी ख़तरनाक है यार। ये जयपुर इन लोकेशन इन जयपुर, और सीन तगड़ी है। और ये बड़े बड़े गेट यार, गेट लोग कितने तगड़े, ये वाला गेट देखोगे, ये देखो यार गेट, तो सीन थोड़ा सही है यार। बैठ दैन और अगेन फॉर जिस द व्यू, ये देखो भाई ये व्यू कितना खतरनाक कुछ, ये तोफ है यार। और मैं तो शॉर्ट वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, और यहाँ अंकल खड़े हैं काफ़ी खतरनाक जैसे, और ये लोटे ले रहे हैं, और इन लोगों की वीडियो बना देता हूँ। ये देखो भाई सीन कुछ तगड़ा है, कितना कर रहा है हमारे इसमें, मेरे इसमें निकाली सूट, निकाली सूट, निकाली यार। और बताओ सूखे सूखे आदमी लगाने धक्का इसके अंदर, और धक्के लगाने से इनसे कुछ होता नहीं है। धक्का लगाने में लगा काफी रहे, धक्का लगा 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 लगा, पैर तो दिखाई नहीं दे रहे, तो धक्का लगा तो कर कर गया, धकेले दिला देगा इसको 5 रुपये, तो 5 रुपये ला देगा। और हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे वहाँ एंड वहाँ जाना हमको यार। और सीन तो तुम्हें पता ही है, व्यू तो बहुत खतरनाक है भाई यहाँ का।
तो अपन का सीन कुछ सहन तगड़ा ही है यार। और यहाँ पुलिस सिक्योरिटी भी है, मतलब काफ़ी सिक्योरिटी है, मतलब पुलिस पुलिस की जीप खड़ी रहती है यार हर टाइम। और ये अंदर का सिस्टम वहाँ से है यार, वहाँ जाना है, एंट्री गेट है वहाँ पे। और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, समझ में नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज भी नहीं यार, क्या बता सकता हूँ यार, बहुत समझ में नहीं आ रहा मेरा कुछ भी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। और इंशाल्लाह टाइम आगे दिल्ली मिलेगा तो आगे और मज़ा आएगा यार, चलते हैं फिर यार। तो हम जा रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ, एक और महल दिखना रही है, लोग कर रहे थे वीडियो शूट, इन्होंने यार जाने नहीं दिया ऊपर, और आ चुके हैं। और यहाँ सीढ़ी है ये वाली, और काफ़ी ढाई ढाई तीन तीन फिट की सीढ़ी है यार, मतलब एक ही स्लैब में। और ये आ रहे हैं जैफरान जादी, और ये सीन ही तकना यार है, चलते हैं भाई। और यहाँ पे एंट्री गेट, और हम आ चुके हैं फाइनली ऊपर की तरफ, और ये है कुछ खतरनाक सा व्यू। और भाई ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये महल सा, ये है क्या बोलते हैं, जो जोद अकबर मूवी आई थी, ऋतिक रोशन ने यहीं पे खाना खाया था। एंड ये काफ़ी ख़तरनाक व्यू है, और काफ़ी अच्छा एकदम मौसम सा बना हुआ है एक, और फर्स्ट है ये, काफ़ी बढ़िया सीन है। और ये सामने का जो लुक देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा, और सामने की तरफ, हम जस्ट सामने की तरफ जो देख रहे हैं ये है 27 कचहरी, और ये काफ़ी सुंदर है यार, और बेस्ट भी है यार, और काफ़ी अच्छा है यार एकदम नंबर। यहाँ पर जो राजा लोग होते थे, जो एक तरह का व्यापारी कस्टमर दुकानदार होते थे, उनसे लगान लिया जाता था। और ये काफ़ी सुंदर भी है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कोई बाज़ार की मार्केट होती है ना एक नंबर की बनी बनाई, ऐसा कुछ कच्चा मज़ा आता है यार। और ये जो भाई थोड़ा सा ये कचहरी के जो सामने का जो व्यू है, ये देखो एकदम कैंड वाला, और हवा आ रही है एकदम माशाल्लाह नंबर वन की। एंड ये जो आप देख रहे हैं सामने, वो वॉच टावर है, एंड ये यहाँ पर कुछ लोगों की कुछ टाइम पहले मौत भी हो गई थी, एंड बिजली गिर रही थी इसलिए मौत हो गई थी, काफ़ी टाइम की बात हो चुकी है वो, एंड जो गार्ड भाई ने बताया था एक। एंड ये जो व्यू देख रहे हैं एक नंबर का व्यू भाई, ये जो व्यू एक नंबर का मौसम है। और ये जो भाई ये रोड देख रहे हो, रोड यहाँ पे जो ज़्यादातर मूवी में शूटिंग होती है, तो यहाँ बैक का सीन लिया जाता है, राजा लोग जो आते हैं एंट्री के लिए, और ज़्यादातर एंट्री यहीं से होता है। और ये जो चार तरफ की दीवार दिखाई दे रही है, ये एक तरफ कुछ ये जो महल को एकदम कवर्ड करती है एकदम, तो यार एकदम आ चुके हैं यहाँ पर। और ये है भाई एक नंबर का पुराना महल, ही कम से कम इसका जो कलर है ना 350 साल पुराना है, वो जो आज भी ऐसे लगती है जैसे कोई हाल ही में पाँच छः महीने पहले कर रहा है यार। और जो एक नंबर का ये सेकंड मोशन है, और काफ़ी बे इंतहा ख़तरनाक है भाई। और ये जो इसका जो डेकोरेट है एक नंबर की है, और अच्छा भी। और एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, थर्ड मोशन जो है भाई अपना ये महल, एंड काफ़ी ख़तरनाक है। और इसके जस्ट बराबर में एक शीश महल, एंड उसको कह सकते हैं हम एकदम शीशे का माला, जैसे ये, और ये इसके सामने की तरफ है, ये है एक मुग़ल गार्डन, और इसके सामने एक शीश महल है, वो मैं अभी जस्ट सेकंड दिखाऊंगा। और ये है मुग़ल गार्डन है, ये मुग़ल टाइम में बना था इसका, इसलिए नाम इसका मुग़ल गार्डन है। और काफ़ी अच्छा एक गार्डन टाइप का बना हुआ, बहुत ही बढ़िया। एंड अंदर जाने की इसमें अथॉरिटी वगैरह नहीं है, एंड ऊपर से दिखा सकते हैं। और भाई मज़ा बहुत आया आज, और भाई गार्ड भाई हमारे यहाँ पर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है एक नंबर का चीज जो काफ़ी अलग करती है यार यहाँ के महलों से, सबसे अलग ये है शीशे का बना हुआ टोटली, ये शीशा लगा हुआ है इसमें, बहुत टाइम पहले का, काफ़ी टाइम पहले का शीशा है। जब भी इतनी लोग मतलब टेक्नोलॉजी लोगों के पास दिमाग में थी, पर अब तो हाई टेक्नोलॉजी, पर ये भी बहुत टाइम पुराना है, और अभी भी ये टोटल शीशे का भाई, टोटल शीशे का। और निकलते हैं फिर यहाँ से, यहीं करते हैं इस वीडियो को।